हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम जो डीजनरेट पर्टुरबेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने जाना था, ठीक है, उस पर थ्योरी लेक्चर हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। और आज हम क्या करेंगे, सीएसआर नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन डीजनरेट पर्टुरबेशन थ्योरी, वो आज हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको गिवन है टू डायमेंशनल इनफिनाइट स्क्वायर वेल। ओके, सो टू डायमेंशनल इनफिनाइट स्क्वायर वेल गिवन है, पोटेंशियल इसका होता है जीरो और इन्फिनिटी। ठीक है, तो जीरो हमारे पास होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इन बिटवीन जीरो टू ए, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ दैट वेल। ओके, फिर इसके बाद इन्फिनिटी है अदरवाइज के केस में। नाउ अब जो है ये जो 2D वेल है, इसको आपने सब्जेक्ट किया टू एन एक्सटर्नल, ठीक है, इफेक्ट्स, और उसमें पर्टुरबेशन जो आप आपने अप्लाई किया है दैट इज गिवन टू यू वी नोड। ठीक है, तो वी नोड हमारे पास है और जीरो है। ठीक है, सो वैल्यू वी नोड व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल्स टू रेंज जीरो से ए बाय टू। ठीक है, और जीरो है अदरवाइज के केस में। ठीक है, मतलब पर्टुरबेशन की जो लेंथ है ना वो एक्स और वाई में कितना है, जीरो से लेकर के ए बाय टू, और कितना पर्टुरबेशन आपने अप्लाई किया, द स्ट्रेंथ विल बी वी नॉट, दैट इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। ओके, ये आपने यहां पर अप्लाई किया। फाइंड आउट क्या करना है आपने, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, उसमें कितना एनर्जी करेक्शन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, वो आपने यहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस यू शुड हैव टू फाइंड आउट। ओके, एंड अप टू ऑर्डर वी नॉट, ये आपने यहां से कैलकुलेट करना है। मतलब वी नोड स्क्वायर, वी नोड क्यूब, इन सबको आप यहां से नेगलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर वी नोड तक आपने इसको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, जो 2D स्क्वायर वेल है इसका वेव फंक्शन क्या होगा, वेव फंक्शन कितना है। ठीक है, द वेव फंक्शन विल बी अंडर रूट में 2/a। देखो एसिमेट्रिक है ना, ये जीरो से ए जा रहा है, एसिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक होता तो क्या होता, माइनस ए से ए या फिर माइनस ए बाय टू से ए बाय टू, फिर हमारे पास क्या होगा ना, ग्राउंड स्टेट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, या साइन से, ठीक है, कोस से। ठीक है, देखो ऐसा होता है सिमेट्री के केस में, ग्राउंड स्टेट में आता है मेरे पास कोस, कोसाइन फंक्शन। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आएगा, मतलब ये एन इज इक्वल टू इवन के लिए होता है। ओके, एन इज इक्वल टू ओड के लिए जो रहेगा, सॉरी यहाँ पर ओड आएगा ना, ठीक है, दिस इज फॉर एन इज इक्वल टू ओड, एंड n इज इक्वल टू इवन के लिए आपके पास रहेगा साइन फंक्शन। ये सिमेट्री के केस में होता है, बट यहां पर एसिमेट्रिक है। ओके, जीरो से a तक जा रहा है लिमिट, सो अंडर रूट 2/a, एंड देन वी हैव साइन एंड nx पाई x बाय a, एंड अंडर रूट 2/a एंड साइन ny पाई y बाय a, ये मेरे पास आएगा, करेक्ट है। तो देखो अब यहां पर जो है एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होंगी, सो द एनर्जी आइगन वैल्यू विल बी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, करेक्ट है। ग्राउंड स्टेट के केस में nx और ny का वैल्यू दोनों कितना हो जाएगा, 1-1 के इक्वल, है ना, 1-1 हो जाएगा दोनों। और अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, तो क्योंकि ये एक हमारे पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर वेल है, तो क्योंकि सिमेट्रिक होता है, और टू डायमेंशन की बात कर गया, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, तो इनमें डीजनरेसी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आप देखेंगे अगर nx का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, आप देखें एक बार, या तो nx का वैल्यू 1 ले लो, ny का वैल्यू 2, या फिर nx का वैल्यू 2 ले लो और ny का वैल्यू 1, आप देखेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू विल बी सेम। तो ये कॉरेस्पॉन्ड करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, और क्योंकि इन दोनों केस में मुझे सेम एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज टू फोल्ड डीजनरेट। और अगर ये टू फोल्ड डीजनरेट है और पर्टुरबेशन अप्लाई करके आप फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मींस सेकुलर मैट्रिक्स बनेगी। और सेकुलर मैट्रिक्स कितने की, सेकुलर मैट्रिक्स आपकी बनेगी 2×2 की, बताओ 2×2 सेकुलर मैट्रिक्स आपके यहां पर फॉर्म होगी, करेक्ट है। तो अभी क्या करते हैं, एक बार के लिए एनएक्स वन एन वाई टू रखेंगे यहां पर, तो आपको एक वेव फंक्शन मिलेगा, दूसरा वेव फंक्शन जब एनएक्स का वैल्यू 2 एन वाई का वैल्यू 1, ठीक है। सो यहां से मेरे पास बेसिकली आ जाएगा, ठीक है, यहां पर पुट कर देते हैं, तो साई 1 ये आपके पास आएगा, दिस इज इक्वल टू, ओके, 2/a, ठीक है, 2/a दोनों को मल्टीप्लाई, साइन ऑफ, ठीक है, यहां पर आ जाएगा पाई एक्स बाय ए एंड साइन ऑफ 2πy/a, करेक्ट है। नेक्स्ट में देखो साई 2 कितना आएगा, साई 2 विल बी 2/a एंड देन साइन ऑफ 2πx/a एंड साइन ऑफ πy/a, ये मेरे पास आ गया,
बताओ, दीज आर द वैल्यूज ऑफ साई वन एंड साई टू, ये टू स्टेट्स हमारे पास हैं, ओके, टू फोल्ड डिजनरेट है ना इस वजह से। अब सेकुलर मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो सेकुलर मैट्रिक्स में आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा देखो एच डैश वन वन, एच डैश वन टू, एच डैश टू वन एंड एच डैश टू टू, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, साई वन एच डैश साई वन, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना, एंड देन साई वन एच डैश एंड साई टू, फिर इसके बाद मेरे पास आएगा साई टू एच डैश साई वन, एंड देन वी हैव साई टू एच डैश एंड देन साई टू, ओके। अब एक बात बताओ जरा, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं है ना, क्या ये मेरे पास सेम आएंगे कि नहीं आएंगे बाय सिमेट्रिसिटी, आप खुद से बताओ एक बार। देखो जो साई वन का हमारे पास में आप रिजल्ट देख रहे हैं ना, दिस वॉज द साई वन, ओके, तो अगर यहाँ पर आप ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे और ये साई टू है मेरे पास, तो डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का है, यहाँ पर ना अगर हम लोग x की जगह पर y और y की जगह पर x लिख दें तो मुझे सेम टू सेम ये मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, और जो लिमिट है पर्टर्बेशन की वो भी 0 से a बाय टू है x में भी और y में भी, तो क्या मुझे दोनों बाय सिमेट्रिसिटी सेम नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना सेम, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चाहे आप एच डैश वन वन निकालो ये एच डैश टू टू सेम आएगा। तो चलिए हम एक फाइंड आउट कर लेते हैं एच डैश वन वन, तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली 0 से a बाय टू, क्योंकि पर्टर्बेशन इसी लेंथ के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, इसी लिमिट के अंदर, देन 0 से a बाय टू, फिर इसके बाद है साई वन स्टार, देन एच डैश एंड साई वन एंड डी एक्स डी वाई, है ना, टू डायमेंशन है ना, तो डी एक्स डी वाई करेक्ट है। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0 से a बाय टू, 0 से a बाय टू एंड देन साई वन स्टार, देखो साई वन स्टार और साई वन सेम ही है क्योंकि हम जानते हैं ये एक रियल फंक्शन है, तो रियल वेव फंक्शन होने के कारण आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे भी तो सेम रिजल्ट आएगा, ओके। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर आप करेंगे तो 2 बाई ए का होल स्क्वायर, और पर्टर्बेशन कितना आपने अप्लाई किया है, एच डैश का वैल्यू कितना है, वी नोड, ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ से आएगा देखो साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई, आप होल स्क्वायर कर रहे हो ना इसका, मॉडल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई वाई बाई ए एंड देन वी हैव डी एक्स डी वाई, ये वैल्यू है, बताओ करेक्ट है। अभी देखो सबसे पहले x का हम इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 0 से a बाई टू साइन स्क्वायर एंड देन पाई एक्स बाई ए, तो वैल्यू कितना होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ओके, एंड देन डी एक्स 0 से लेकर के a बाई टू तक, हाफ आप पहले ही बाहर ले लें, तो मेरे पास देखो यहां से आएगा 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू a बाई टू माइनस साइन, कोस का हमारे पास इंटीग्रेशन होगा प्लस का साइन, तो ये मेरे पास आएगा साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई, फिर यहां से आ जाएगा 2 पाई बाई ए एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेकर के a बाई टू, बताओ। अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं यहां से ना, अपर लिमिट पुट करेंगे कितना आएगा, हाफ इंटू में ए बाई टू, यहां से लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। अगर मैं यहां पे सेकंड वाली टर्म में अपर लिमिट पुट करता हूं तो a बाई टू यहां पर अगर पुट करेंगे तो साइन पाई बन जाएगा, और साइन पाई कितना होता है 0, और साइन 0 भी 0, तो बस इतना ही आएगा मेरे पास, मतलब a बाय 4, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास आ रहा है a बाय 4। अब एक बात बताइए जरा, अगर ये x वाला इंटीग्रेशन मेरे पास a बाय 4 के इक्वल है, ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रेशन कितना होगा y वाला, देखो यहां पर सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो क्या है, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई, तो अगर यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, अगर यहाँ 4 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और अब मैं अगर a बाय 2 रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा a बाय 4, तो यहाँ से भी a बाय 4 ही मिल रहा है, करेक्ट है। तो फुल वैल्यू कितना आ गया, द फुल वैल्यू विल बी 4 बाय ए स्क्वायर, सो 4 बाय ए स्क्वायर, देन इसके बाद वी नोड, और यहाँ से मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर बाय 16, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 पर कैंसिल आउट, ये मेरे पास आ गया वी नोट बाय 4 एंड दैट हैज सेम वैल्यू एज एच डैश 22, ये दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं वी नोट बाय 4। अब देखो बाय सिमेट्रिसिटी ये दोनों भी तो इक्वल होंगे है ना, ये दोनों भी तो बराबर हैं, देखो इसमें क्या है साई वन साई टू, इसमें क्या है साई टू साई वन, तो फर्क क्या है सिर्फ और सिर्फ, देखो यहां पर भी है पाई एक्स बाय ए, यहां पर 2 पाई एक्स बाय ए, यहां पर 2 पाई वाई बाय ए, और यहां पर है पाई वाई बाय ए,
है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, चाहे आप वन को टू से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको इससे कर लो, चाहे इसको इससे कर लो, रिजल्ट वुड बी सेम। तो बाय सिमेट्रिसिटी ये दोनों भी हमारे पास क्या आएंगे, सेम टू सेम आने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी एक को सोल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग एच डैश वन टू इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा साई वन स्टार एच डैश एंड देन साई टू डी एक्स डी वाई, और यहाँ से डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इसमें टू बाई ए का होल स्क्वायर वी नो बाहर आएगा, जीरो से ए बाई टू, और यहाँ पर जब आप साई वन स्टार साई टू कर रहे हैं तो एक्स वाला टर्म आप एक तरफ रखेंगे ना। तो देखो साई वन वाले में एक्स वाला टर्म ये है, साई टू में एक्स वाला टर्म ये है, तो आपके पास आएगा साइन ऑफ पाई एक्स बाई ए साइन ऑफ टू पाई एक्स बाई ए एंड देन डी एक्स मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद है जीरो से ए बाई टू एंड देन साइन ऑफ पाई वाई बाई ए एंड साइन ऑफ टू पाई वाई बाई ए एंड देन वी हैव डी वाई। और बाय सिमेट्रिसिटी मुझे एक बात बता दो, या तो आप चाहे इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो चाहे इसको, रिजल्ट वुड बी सेम, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई से चेंज हो रखा है। ठीक है, सो लेट मी सोल्व वन, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो एक्चुअल में ना टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने के लिए मैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा वन बाई टू देन जीरो से लेकर के ए बाई टू। और अब देखो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होगा मेरे पास में कोस ऑफ ए माइनस बी एंड माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी होता है। करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा कोस ऑफ ए माइनस बी, तो डिफरेंस मेरे पास है पाई एक्स बाई ए का माइनस साइन, फिर दोनों को ऐड करना है, सो ऐड करने पर मेरे पास आएगा कोस ऑफ थ्री पाई एक्स बाई ए एंड देन वी हैव डी एक्स। करेक्ट है, अब देखो यहाँ से मेरे पास आएगा हाफ, आप बाहर ले लो, कोस का जो इंटीग्रेशन है दैट वाज साइन ऑफ पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई पाई बाई ए, इंटीग्रेशन का लिमिट है जीरो से ए बाई टू। ठीक है, माइनस साइन, यहाँ से आएगा साइन ऑफ थ्री पाई एक्स बाई ए एंड डिवाइडेड बाई थ्री पाई बाई ए, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू ए बाई टू, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ से कितना आएगा वन बाई टू, और एक काम करते हैं यहाँ पर जो है ना पाई बाई ए हम बाहर ले लेते हैं। अब अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन ऑफ पाई बाई ए इंटू ए बाई टू, तो साइन पाई बाई टू बन गया विच इज वन माइनस साइन। यहाँ से देखो ए बाई टू पुट करेंगे तो साइन थ्री पाई, और साइन थ्री पाई कितना होगा, सॉरी साइन थ्री पाई बाई टू, ओके साइन थ्री पाई बाई टू, ये टू भी तो है ना, तो साइन थ्री पाई बाई टू कितना हो गया मेरे पास में, देखो साइन थ्री पाई बाई टू को कैसे लिख सकते हैं, दिस वॉज इक्वल टू साइन ऑफ, ठीक है यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पाई प्लस में पाई बाई टू, यानी आप हमारे आप जो है अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, सो थर्ड क्वाड्रेंट में कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, सो द आंसर विल बी माइनस का वन डिवाइडेड बाय, देखो पाई बाई ए तो आपने बाहर ले लिया तो बचेगा क्या थ्री। करेक्ट है, सो फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग ए बाई टू पाई मल्टीप्लाई वन प्लस वन बाई थ्री विच इज फोर बाई थ्री, सो फोर बाई थ्री, सो टू ए अपॉन थ्री पाई। बताओ ये एक इंटीग्रल आया, दूसरा इंटीग्रल भी सेम था वाई वाला है ना, उसमें भी क्या आएगा टू ए बाई थ्री पाई, सो द एच डैश वन टू वैल्यू विल बी टू बाई ए का होल स्क्वायर देन वी नोड, और इसका भी होल स्क्वायर एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, इसलिए ठीक है, सो टू ए बाई थ्री पाई का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रहा है बेसिकली 16 वी नोड डिवाइडेड बाई 9 पाई स्क्वायर। बताओ करेक्ट है, बाकी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो चुका है, इसलिए 16 वी नोड अपॉन 9 पाई स्क्वायर इसका भी वैल्यू और सेम टू सेम इसका वैल्यू। बस अब आपने जो है ना यहाँ से एनर्जी आइगन वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज कर लेंगे, सो एच डैश वन वन माइनस लैम्डा देन एच डैश वन टू, आप चाहें तो इसे ई वन ऑफ वन भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, एंड देन वी हैव एच डैश टू वन एंड देन वी हैव एच डैश टू टू माइनस ऑफ ई वन ऑफ वन, ठीक है दैट शुड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली आएगा, आप इसको एक काम कर लें लैम्डा के इक्वल रख लें इसको, ठीक है थोड़ा इजीली हो जाएगा। नाउ वी नोट बाय फोर माइनस लैम्डा, वी नोट बाय फोर माइनस लैम्डा एंड देन ये हमारे पास था 16 वी नोट अपॉन 9 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर था 16 वी नोट अपॉन में 9 पाई स्क्वायर। करेक्ट है, एंड दैट शुड इक्वल टू जीरो। ओके, तो मेरे पास आएगा वी नोट बाय 4 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस में, ठीक है 16 वी नोट अपॉन 9 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया वी नोट बाय 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 16 वी नोट अपॉन में 9 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो बस लैम्डा का वैल्यू आ गया विच इज ई वन ऑफ वन इज इक्वल टू वी नोट, कॉमन आ गया
ओके एंड 1 बाय 4 प्लस माइनस 16 अपॉन 9 पाई स्क्वायर. दिस वाज द आंसर, दिस वाज द आंसर. ठीक है, ये मेरे पास आएगा. नाउ ये हमारे पास देखो सेकंड क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में पूछा गया था. ठीक है, तो इस टाइप से मैंने क्वेश्चन वैसे आपको करवाया हुआ है. ओके, जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टडी किया था तो उस लेक्चर में आपको मिलेगा, बट वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए था, डीजनरेट और नॉन डीजनरेट दोनों. लेकिन यहाँ पर डीजनरेट केस है क्योंकि आप देख सकते हैं जो एनर्जी आइगन वैल्यू 2 है वो 2 फोल्ड डीजनरेट है. तो अगर आप शिफ्ट निकालना चाहते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू इन ओड इज इक्वल टू 2 में, तो आपको यहाँ पर क्योंकि 2 फोल्ड डीजनरेट है सो बेसिकली 2x2 सेकुलर मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी. ठीक है, सो दैट वाज एच डैश 22 एच डैश 23, यहां से मेरे पास आएगा एच डैश 32 एंड एच डैश 33. ठीक है, सो माइनस लेमडा करेक्ट है, ये मेरे पास आएगा एंड दैट शुड इक्वल टू 0. बस अब आपने क्या करना है, यहां से ये जो वैल्यूज हैं एच डैश 22 तो ये वैल्यू मुझे दे रखा है इसने 0, 0 माइनस लेमडा. नेक्स्ट में एच डैश 23 जो कि हमें दे रखा है 1. ठीक है, अच्छा अब साइलेंट भी है साथ में, ये भी ध्यान रखना है ना, अब साइलेंट भी है साथ में. तो एक काम करेंगे, इसको अब साइलेंट लिख लेते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव एच डैश 32 जो यहाँ हमारे पास है. ठीक है भाई, अगर ये मेरे पास में 2 फोल्ड डीजनरेट है तो सिर्फ और सिर्फ इतने का ही तो हम लिखेंगे ना पार्ट, तो इतने से का पार्ट लिखना है सिर्फ आपने. मैट्रिक्स फॉर्मेट में तो दे ही रखा है ऑलरेडी इसने. ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में तो ऑलरेडी इसने दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा. और इसके जो एनर्जी आइगन स्टेट्स आएंगे वो क्या होंगे हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डायगोनलाइज्ड है तो 100, 010 एंड 001 ये मेरे पास आ जाएंगे. ठीक है, तो आप ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहीं से देख लो. ओके, तो मेरे पास आएगा यहाँ से 1 इंटू ई एंड देन वी हैव 0, सो 0 माइनस लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो मेरे पास आ रहा है यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और इसे दैट लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस का ई. बस ये आंसर है, प्लस माइनस ई. ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने थे बेस्ड ऑन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी. तो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.